नमस्कार दोस्तों, लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था हूँ एज हिंदू। आज उसी से रिलेटेड एक लीडिंग केस को डिस्कस करेंगे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड है, जिसमें द वर्ड हिंदू को डिफाइन किया गया है। केस का नाम है शास्त्री यज्ञाकुरु साध जी वर्सेज मूलदास। दोस्तों, इस केस को डिस्कस करने से पहले हमें दो एक्ट के बारे में जानना जरूरी है। दो एक्ट जो उस समय की मुंबई गवर्नमेंट ने पास किए थे, जिसमें पहला एक्ट है द बॉम्बे हरिजन टेंपल एंट्री एक्ट 1947 और दूसरा एक्ट है द बॉम्बे हिंदू प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप एंट्री ऑथोराइजेशन एक्ट 1956, यानी कि उस समय की बॉम्बे गवर्नमेंट ने दो एक्ट पास किए, द बॉम्बे हरिजन टेंपल एंट्री एक्ट 1947, इसे बाद में रिपील कर दिया गया, और इसके बाद जो दूसरा एक्ट पास किया द बॉम्बे हिंदू प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप एंट्री ऑथराइजेशन एक्ट 1956। दोस्तों, इन दोनों एक्ट्स को पास करने का ऑब्जेक्ट क्या था, सबसे पहले हम ये देखना चाह रहे हैं, क्योंकि प्राचीन समय में हिंदुओं में भी कुछ कुप्रथाएं कह लो, कुरूति मान लो, कुछ इस तरीके की बातें थी कि कास्टेजियम के ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, और जिनको कि लोअर कास्ट कहा जाता था उन लोगों की मंदिरों में एंट्री प्रोहिबिटेड थी, मंदिरों में ऐसे लोगों का प्रवेश वर्जित था। तो इस कुप्रथा को दूर करने के लिए, ऐसे नियमों को समाप्त करने के लिए मुंबई गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, द बॉम्बे हरिजन टेंपल एंट्री एक्ट 1947। इस एक्ट के सेक्शन 3 में यह प्रोविजन था कि एवरी टेंपल ऑन विच द एक्ट अप्लाइड शैल बी ओपन टू हरिजन फॉर वर्शिप इन द सेम मैनर एंड एट इन सेम एक्सटेंड अदर हिंदूज इन जनरली। मतलब प्रत्येक मंदिर हरिजनों की पूजा या प्रार्थना के लिए, हरिजनों के लिए पूजा या प्रार्थना के लिए उसी तरीके से ओपन रहेगा जिस तरीके से वो अन्य हिंदुओं के लिए ओपन रहता है। मतलब कास्ट के ग्राउंड पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो इस एक्ट के आ जाने से, यानी कि हरिजन या अन्य जो इस तरीके के लोग थे, उनको एक लीगल राइट मिल गया कि अब वो किसी भी हिंदू मंदिर में जाकर के पूजा प्रार्थना कर सकते हैं, और उन्हें इस आधार पर कोई भी व्यक्ति उनको प्रवेश से वंचित नहीं करेगा। तो इस दो तरीके के एक्ट हमारे पास आए।
इसे रिपील कर दिया गया, बाद में ये एक्ट आया। अब हम ये जो हमारा शास्त्री वर्सेज मूलदास का केस है AIR, क्योंकि लीडिंग केस है और NLB फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है इंडिपेंडेंट, तो इसे थोड़ा सा हम इसके फैक्ट को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि इसके फैक्ट क्या है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसके फैक्ट को देख रहे हैं कि इसके ब्रीफली इसके फैक्ट क्या थे। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट बस्ती, जिला बस्ती, उस बस्ती जिले में एक गांव में एक व्यक्ति का जन्म हुआ और उस व्यक्ति का नाम था श्रीमान सहजानंद। जब सहजानंद जी बड़े हो गए तो उपदेश, प्रवचन, सत्संग किया करते थे। धीरे धीरे सत्संग, उपदेश, प्रवचनों में इनको महारत हासिल होने लग गई, तो ये वहां से इन्होंने पलायन किया और ये उस समय के सौराष्ट्र में, जो आज की डेट में हम कहें तो गुजरात और महाराष्ट्र का हिस्सा जो उस समय सौराष्ट्र हुआ करता था, ये पलायन होकर के उधर आ गए और यहाँ भी सत्संग करने लगे, उपदेश देने लगे, प्रवचन देने लगे। इनके प्रवचन लोगों को अच्छे लगते थे तो इनके फॉलोवर्स की संख्या धीरे 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 बहुत ज्यादा हो गई। तो श्रीमान सहजानंद जी ने अपना नाम बदला, नाम परिवर्तन किया और अपना नाम परिवर्तन करके उन्होंने अपना क्या नाम रख लिया, स्वामी नारायण। सहजानंद जी ने अपना नाम परिवर्तन किया और नाम परिवर्तन करके अपना दूसरा नाम जो उन्होंने रखा उस वो नाम था स्वामी नारायण। और स्वामी नारायण मत को मानने वाले लोगों को सत्संगी कहा गया। दो बातें, सहजानंद जी ने अपना नाम बदल करके स्वामी नारायण रख लिया और स्वामी नारायण आइडियोलॉजी को मानने वाले लोगों को क्या कहा जाने लगा, सत्संगी। और धीरे 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 इनके फॉलोवर्स की संख्या बहुत ज्यादा हो गई और इन्होंने सबसे पहले या अहमदाबाद में एक मंदिर बनवाया, उस मंदिर का नाम स्वामी नारायण मंदिर, जिसे हम सभी लोग अक्षरधाम के टेंपल के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड में जितने भी अक्षरधाम के टेंपल हैं वो स्वामी नारायण मत को मानने वाले लोगों के हैं, चाहे वो वर्ल्ड में या इंडिया में किसी भी जगह हो। तो उस समय जब मुंबई गवर्नमेंट ने ये दो एक्ट पास किए तो उसी समय सौराष्ट्र में एक एसोसिएशन थी दलितों की, उस एसोसिएशन का नाम था महागुजरात दलित एसोसिएशन। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, मूलदास। महागुजरात दलित एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनका नाम था मूलदास। और श्रीमान शास्त्री जी जो थे ये उस समय स्वामी नारायण मंदिर, यानी कि उस समय का जो अहमदाबाद में टेंपल था उसकी देखरेख करने वाले मैनेजमेंट कमेटी में शास्त्री जी थे। तो केस का नाम जैसा कि हमने बताया था शास्त्री वर्सेज मूलदास। अब जैसे ही मुंबई गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास किए तो जैसे ही एक्ट पास हुआ तो ये जो मूलदास जी थे इन्होंने एक डिक्लेरेशन किया और वो डिक्लेरेशन ये था कि भाई अब हमें स्वामी नारायण मंदिर में जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तो एक्ट आ गया है, कानून आ गया है, हमें हमारा लीगल राइट है कि प्रत्येक हिंदू मंदिर में उसी तरीके से, चाहे वो दलित हो, हरिजन हो, उसी तरीके से प्रवेश कर सकता है, पूजा अर्चना कर सकता है जिस तरीके से अन्य हिंदू करते हैं। तो मूलदास ने एक डिक्लेरेशन किया कि भाई मैं
अमुक दिन स्वामी नारायण मंदिर में सभी दलित भाइयों को लेकर के दर्शन करने जाऊंगा, अब हमें कोई रोक करके बताना। जब उन्होंने ये डिक्लेरेशन किया तो शास्त्री जी को कुछ प्रॉब्लम हुई कि भाई इस तरीके से तो वो हमारे मंदिर में दर्शन करने नहीं आ सकते। तो उन्होंने एक सूट फाइल किया कि भाई मूलदास या महागुजरात दलित एसोसिएशन के अंगेंस्ट में एक इंजंक्शन ग्रांट किया जाए, इंजंक्शन इश्यू किया जाए, मूलदास को हमारे मंदिर में आने से रोका जाए। डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट में लेके चलते हैं आपको। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब इसमें आर्गुमेंट हो रहे थे तो भाई शास्त्री जी से ये पूछा गया कि अब तो मुंबई गवर्नमेंट ने एक्ट भी पास कर दिया है, तो आप शास्त्री जी को स्वामी नारायण मंदिर में आने से क्यों रोकना चाह रहे हो? तो स्वामी नारायण मत को मानने वाले लोगों का कहना था, शास्त्री जी ने एक अजीब तर्क दिया और वो तर्क ये था कि वी आर नॉट हिंदू। तो भाई आप कौन हो? हिंदू नहीं हो तो कौन हो? कि भाई हम हिंदू नहीं है तो आप कौन है? कि वी आर सत्संगी। और जबकि हम सत्संगी है तो ये मुंबई गवर्नमेंट ने दो एक्ट पास किए थे, यानी 1956 का जो एक्ट है वो उस समय फर्स्ट एक्ट तो रिपील ही कर दिया था, ये एक्ट हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता। और जब ये एक्ट हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता तो मूलदास हमारे मंदिर में दर्शन करने नहीं आ सकता। अब ये देखिए बहुत अजीब प्रॉब्लम खड़ी हो गई, यानी कि पहले हिंदूज के इतने ज्यादा डिवाइडेशन हो चुके थे, अब एक नई पर पार्टी और डलने जा रही थी कि भाई ये सत्संगी भी ये कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को द वर्ल्ड हिंदू को डिफाइन करना था कि भाई आखिर में हिंदू है कौन। जब स्वामीनारायण मत को मानने वाले लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम तो सत्संगी है तो फिर हिंदू कौन है? तो इस मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हिंदूज के बारे में कुछ प्रिंसिपल लेट डाउन किया इस केस में, इसलिए इसे लीडिंग केस कहा जाता है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चार प्रिंसिपल लेट डाउन किए जो हिंदूज पर एप्लीकेबल होते हैं। देखिए बहुत अच्छे तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे इतने अच्छे तरीके से डिफाइन किया है, ये केस आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हिंदुओं का डिवाइडेशन रोक दिया इस केस में। क्यों? क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द हिंदू फिलॉसफी इज द एक्सेप्टेंस ऑफ द वेदाज, एक्सेप्टेंस ऑफ द वेदाज एज ए हाईएस्ट अथॉरिटी इन ए रिलीजियस और फिलोसॉफिकल मैटर्स। हिंदू का केंद्र बिंदु वेद माना जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में, इस केस में जो बताया कि द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द हिंदू फिलॉसफी इज द एक्सेप्टेंस ऑफ द वेदाज एज ए हाईएस्ट अथॉरिटी इन ए रिलीजियस और ए फिलोसॉफिकल मैटर्स। सेकेंड प्रिंसिपल, द हिंदू फिलॉसफी बिलीव इन रीबर्थ और प्री एग्जिस्टेंस, रीबर्थ और प्री एग्जिस्टेंस मीन्स यानी कि प्रत्येक हिंदू पुनर्जन्म में विश्वास करता है, प्रत्येक हिंदू पुनर्जन्म में विश्वास करता है। एंड थर्ड, द हिंदू फिलोसॉफी बिलीव इन आइडल वर्शिप, प्रत्येक हिंदू मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। और फोर्थ प्रिंसिपल,
last and final object of the every Hindu is the salvation. मतलब हिंदू का केंद्र बिंदु वेद है. प्रत्येक हिंदू पुनर्जन्म में विश्वास करता है. प्रत्येक हिंदू मूर्ति पूजा करता है और प्रत्येक हिंदू का अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति होता है. ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शास्त्री वर्सेज मूलदास के केस में ये प्रिंसिपल लेट डाउन किया और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शास्त्री जी से पूछा कि भाई शास्त्री जी बताइए आप इन चार बातों में से किस में यकीन करते हैं. भाई चार बातों में से चारों में यकीन करने वाला हिंदू होगा. इनमें से किसी एक बात में विश्वास या यकीन करने वाला व्यक्ति हिंदू होगा. तो जब शास्त्री जी से पूछा कि आप इन चार में से किस में बिलीव करते हो, चारों में ही बिलीव करते हैं, तो जाइए मूलदास के स्वागत करने की तैयारी कीजिए. मूलदास को दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता. तो इस तरीके से दोस्तों हूँ इज हिंदू को हमने कंप्लीट डिस्कस किया. ये लीडिंग केस, इसके बारे में जो प्रिंसिपल लेट डाउन किया उसे भी हमने डिस्कस किया. नमस्कार, जय हिंद.